यहाँ पर सबसे लास्ट चीज ये हो सकता है कि आपके नाक में रुई लग सकता है और फटाफट बांस कटाना चालू। भाई दादा अब तो देखो यहाँ पर आपका एक दो मिनट और लगेगा, लेकिन यहाँ से आप बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाओगे। देखो देखो अक्सर क्या होता है कि आप लोग म्यूचुअल का मतलब जैसे फेसबुक पे मन नहीं बनाते हो दोस्त यारी, है कि नहीं, तो फेसबुक पर जैसे म्यूचुअल आप लोग फ्रेंड बनाते हो, यहाँ पर म्यूचुअल का मतलब ये समझो कि वहां पर दो कुंडली होंगे। म्यूचुअल का मतलब दो लोग, जैसे म्यूचुअल का मतलब दो लोगों में दोस्ती होता है, तो उसी तरीके से म्यूचुअल फ्रेंड में हम कितने कुंडली लेके चलते हैं, दो कुंडली। तो हमारे पास एक ये कुंडली हो गया और हमारे पास क्या हो गया, एक ये कुंडली हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? अब ये दो कुंडली हमने ले रखा है। अब इस बात को समझना कि जाहिर सी बात है कि दो कुंडली से करने क्या वाले हैं आपका। देखो अगर हम आपसे बोले कि देखो इस कुंडली में हम करंट सप्लाई करेंगे, देखो आप इसी तरीके का हमारे पास कुंडली है, कभी जज मत करना कि एको मोटा हाथ ले लिया तो पतला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों समान भी कुंडली ले सकते हो, है कि नहीं, दोनों काम करेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं काम करेगा। हम बोल रहे कि बस यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन में कितने होने कुंडली होने चाहिए हमारे, दो कुंडली, तो दो हमारे पास कुंडली है। अगर हम आपसे बोले कि इस कुंडली को ऐसे रख करके हम इस कुंडली को इतना दूर पर रखेंगे तब भी इस कुंडली का बल्ब जलेगा, तो आप विश्वास करोगे? हाँ, अपेक्षित गति नहीं कराना है बेटा, बस इसमें क्या कराना है, ऐसे रखे रहना है, बस इसका बल्ब एकदम तेजी से जलेगा। अगर कोई विश्वास करे, आप वाजिद विश्वास करोगे कि अगर हम इस बल्ब को बस इतना दूरी पर रखते हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा? कौन कौन बोल रहा है कि नहीं जलेगा? एक ज्वाला बोल रहा है। ब्लास्ट करवाएगा क्या पापा? ब्लश करवा दिएगा? चलो पाप लगेगा, ये बहुत महंगा है, 4 लाख का है। कितना लाख का है? चलो अब यहाँ पर समझो होता क्या है। आगे हम आपको इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाते हैं। इधर रख देते हैं बल्ब, आगे इधर रखते हैं ताकि तुम लोग देखो, नहीं तो फिर नहीं इन लोग देखेंगे, है कि नहीं, इन लोग भी है बच्चा छज गया। देखो अब यहाँ पर अगर ये कुंडली पकड़िए, आप ई वाले को कुंडली को पकड़िए, देखो करंट नहीं मारेगा, हद्दा हद्दी मारेगा। देखो एक चीज हो सकता है, यहाँ पर सबसे लास्ट चीज ये हो सकता है कि आपके नाक में रुई लग सकता है और फटाफट बांस कटाना चालू, तो इससे अधिक कुछ नहीं होने वाला, आपको इतना गारंटी। इससे अधिक कुछ होगा क्या? नहीं ना, बस तो इससे अधिक कुछ नहीं होने वाला। लो पकड़ो जी, पकड़ ही नहीं रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा बैठो रहो बैठो रहो बैठो रहो, लो पकड़ो, नहीं करंट मारेगा, प्रॉमिस नहीं, डीसी है ना। देखो यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे आप, दर्शकों को दिख पाए कि दर्शक आखिर में क्या कर रहे हैं हम लोग। आप इस कुंडली को देखो, आप आगे वहां पर कुंडली को रखो, नहीं तो लेकिन सोचेंगे एक रही में बल्ब बैठा के लाया है, अभी जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है ना। देखो अब क्या करोगे, आप कुंडली यहाँ को लाओ और देखना, आओ जो झूठ बोल दिया, देखो किसी को पैसा वैसा नहीं दिया ना, लेकिन नहीं भी जलेगा तभी बोल देना। देखना अब यहाँ पर जल रहा है, देखो कोई बच्चा खड़ा हो जाए, आइए मनोज खड़ा हो जाइए यहाँ पर, देखो अब उधर पीछे दिख रहा था आप लोग को, देखो मनोज कम से कम थोड़ा मोड़ा करंट लगता है, पूछ लो उससे। देखो कुंडली को ऐसे पकड़ के रखना है, दोनों परपेंडिकुलर, क्योंकि चुंबकीय बल रखा है, ऐसे निकलेंगे तो इससे परपेंडिकुलर क्या करेंगी, पास, तो जाहिर सी बात है आपको इस तरीके से कुंडली रखना है। और देखो बार बार हम टच और उसको छुड़ा रहे हैं, सटा नहीं रहे, सटा देंगे तो नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि करंट के माने परिवर्तन नहीं होगा। देखो हम छुड़ा रहे हैं बार इसको, बार बार इस तरीके से करेंगे, जल रहा है नहीं जल रहा है क्या जी, पकड़ो दोनों पकड़ो, नहीं जल रहा है, देखो अब हम क्या कर दे, इसको जोड़ दे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, अगर जोड़ देंगे तो काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसको टच करते रहे, अब जल रहा है क्या, अब आओ नजदीक करो उसको, अब जल रहा है, तो जाहिर सी बात है जितना नजदीक रहोगे उतना ही चुंबकीय बल रखा है तो निकलेंगे ना। देखो अब प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना बात समझ में आ गया क्या? आपने देखा ये जल रहा है, आपने देखा ये जल रहा था, झूठ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को देखा, बात समझ में आ गया। अब देखो समझो कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर होता क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन यानी अननोन प्रेरण में आपका होता क्या है, देखिए अननोन प्रेरण वो प्रक्रिया है जिससे आप क्या कर सकते हो, बिना तार को टच किए आप क्या कर सकते हो, करंट सप्लाई कर सकते हो। देखो हो क्या रहा है,
जैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर समझना इस बात को, जैसे ही हम इसके अंदर करंट के मान में बार बार परिवर्तन कर रहे हैं। देखो हम कभी भी बेटा इसको लगातार टच किए थे क्या? नहीं ना, ऐसे छोड़ा उड़ा रहते ना, ऐसे ही से कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम क्या कर रहे थे कि इसको ऑन ऑफ कर रहे थे, यानी इसको टच कर रहे थे फिर हटा दे रहे थे, टच कर रहे थे फिर हटा दे रहे थे। समझना इस बात को कि जब भी हम इसको क्या कर रहे थे, इस तरीके से टच कर रहे थे फिर हटा दे रहे थे, एक बार में सटा के नहीं रख रहे थे। तब देखो क्या हो रहा था, करंट के मान में क्या हो रहा था, परिवर्तन। अगर करंट के मान में परिवर्तन होगा तो आपको एक बात एकदम रटा रटाया है कि जाहिर सी बात है करंट के मान में परिवर्तन, तो ये वायर चुंबक बन जा रहा है, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं भी निकलेंगे। और इससे अगर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है अगर ये कुंडली रखा हुआ है तो वही चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर नहीं घुसेंगे क्या? घुसेंगे। तो इसके अंदर घुसी और इसके अंदर घुसने के बाद किसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा? इसमें। यह बात याद रखना कि जिसमें चुंबकीय, अगर यह चुंबक बना इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकली और इसके अंदर घुस रहे हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगा? परिवर्तन। किसके चुंबकीय? द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगा? परिवर्तन। और जिसके चुंबकीय फ्लक्स, जिसके मतलब जिसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी में एक EMF यानी एक वैद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें जाग जाता है और वोल्टेज आ गया। वोल्टेज को ही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ना, तो इसमें वोल्टेज आ गया तो यही क्या करेगा, हमारे एक करंट पैदा कर देगा। और जाहिर सी बात ये तार है, इसके अंदर करंट पैदा हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा क्या? वही आपको दिख रहा था। तो देखो यहाँ पर आपका एक दो मिनट और लगेगा, लेकिन यहाँ से आप बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाओगे। देखो यहाँ पर मैं हमेशा समझने पर जोर देता हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समझा करो। देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर ये मेरा कॉयल है और यहाँ पर यह दूसरा कॉयल है, म्यूचुअल इंडक्शन में हमने बोला है कि दो कॉयल लेना पड़ता है। अगर मैं इस तरीके से ऐसे रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चलना चालू कर देगा। देखो यहाँ पर ये देखो, ये जो बल्ब है वो ग्लो करना चालू कर दिया है इतना ऊपर रखने पर भी। अगर और इसको नीचे हम टच करेंगे जाहिर सी बात है कि और तेजी से वो ग्लो करेगा जो भी बल्ब है हमारा। कितना बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको ग्लो करता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इतना दूर पर रखा है तब भी ये ग्लो कर रहा है। चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे, ये ग्लो करेगा अगर हम बार बार टच करेंगे तो। देखो ये ग्लो कर रहा है। अब देखो अगर मैं क्या करूं कि अगर इसी कॉयल को ऐसे रखूं तो ऐसे देखो ये नहीं ग्लो करेगा। यानी क्यों? क्योंकि ये देखो नहीं ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से रखने पर क्या हो रहा है आगे ये समझो कॉन्सेप्ट। देखो पहला वाला कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसे हम अगर रख रहे हैं तो ऐसे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं इस तरीके से निकल रही हैं और इस तरीके से निकलते हुए परपेंडिकुलर इसके अंदर ट्रांसफर कर रही हैं। और देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तभी कहलाता है जब जो चुंबकीय बल रखाए हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इसके अंदर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री यानी लंबवत प्रवेश करेंगे तब। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो अगर परपेंडिकुलर घुसेंगे तभी फ्लक्स वो कहलाता है, अगर पैरेलल तो नहीं, तो पैरेलल वाला फ्लक्स नहीं कहलाता है। किसी और एंगल पर अगर घुसती है, मान लो अगर इस तरीके से भी, तब ये फ्लक्स माना जाता है क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आप अलग अलग एंगल पर रखते जाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगी। आपने देखा है इस चीज को, इसीलिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर इस तरीके से ये तब भी आपका धीरे थोड़ा थोड़ा ग्लो करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब ऐसे परपेंडिकुलर पे तो परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम ग्लो करता है इस तरीके से। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो यही आपका कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझाएगा कि क्या है। देखो यहाँ पर एक बार मैं और बताऊं तो ये क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर इस कॉइल के अंदर जैसे हम करंट सप्लाई कर रहे हैं तो इस कॉइल के अंदर बार बार हम यहाँ पर टच करते रह रहे हैं। टच करने से क्या हो रहा है, बार बार करंट में इसमें चेंज हो रहा है। और जाहिर सी बात है करंट में चेंज होगा तो करंट सप्लाई करने से ये मैग्नेट बन जा रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन आएगा तो जाहिर सी बात है कि इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे इसके अंदर घुसेंगे तो वो कहलाता है फ्लक्स। अगर चार घुस रही हैं तो जाहिर सी बात फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। ठीक, अच्छा फ्लक्स में अगर चेंजेज आ रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एक EMF यानी एक वैद्युत वाहक बल यानी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। और यही कॉइल क्या करेगा आपका, यही मतलब इसी कॉइल के अंदर EMF जनरेट हो जाएगा, तो इसी कॉइल के अंदर एक करंट में प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे आप क्या बोलते हो, EMF बोलते हो। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो यही प्रोसेस पूरा का पूरा है आपका जो कि काम कर रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे प्रैक्टिकल सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।